बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, नंबर सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिटेल के साथ नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और मुख्तलिफ नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे। तो द टेक्निक्स टू रिप्रजेंट एंड वर्क विद नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ए सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज इज नोन एज नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए व्यूअर्स, तो वो होते हैं डेसीमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड केवमैन नंबर सिस्टम। ये पांच तरह के नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं और केवमैन नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इनको बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, 10 यूनिक नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होते हैं, ये नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, इनकी बेस 10 होती है। और यानी कि मतलब ये है कि जो 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं और उनके कम्बिनेशन जो होते हैं और जिनकी बेस 10 हो, तो उनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कह देंगे। कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स की बात की जाए, जैसे 67 और उसकी बेस 10 है, 98 जिसकी बेस 10 है, और उसके बाद 6, 7, 5, 8, 9 और बेस 10, ये तमाम जो है ना हमारे पास है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर हैं। और एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे हम कहते हैं द वेट एंड पोजीशन ऑफ ईच डिजिट्स ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 6, 4, 9 और 7, अगर हम इसके व्यूअर्स पोजीशन और वेट्स या फेस वैल्यू की बात की जाए, तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास वैल्यू जो है 6, 4, 9 और 7। तो इनकी पोजीशन यानी कि ये 0 पोजीशन पे 7 है, 1 पोजीशन पे 9 है, 2 पोजीशन पे 4 है और 3 पोजीशन पे हमारे पास 6 है। मीन के यहाँ पे 10 की पावर 0 आ जाएगी और यहाँ पे 10 की पावर 1 है, और अगर वेट की बात की जाए यहाँ पे 10 की पावर 2 है और उसके बाद 10 की पावर 3 है। मीन के 10 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे। हमारे पास टोटल 4 नंबर हैं, इसलिए आखिर वाला जो जो वेट्स नंबर है उसकी 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो अगर हमने इस नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम लिख रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे 6, 4, 9, 7, बट ये वाला जो 9, 7 नंबर है ये 10 की पावर 0 वेट पे है, जो 9 नंबर है 10 की पावर 1 वेट पे है, जो 4 नंबर है 10 की पावर 2 वेट पे है और 6 नंबर जो है ना 10 पावर 3 वेट पे मौजूद है। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है 4, 2, 1.6434, तो अगर इनके हम टेबल देखते हैं तो इनकी पोजीशन की बात की जाए, तो ये जो 1 है ये 0 पोजीशन पे है, 2 1 पोजीशन पे है, 3, 4 जो है ना ये 2 पोजीशन पे है। और इसी तरह पॉइंट के राइट साइड की अगर बात की जाए, तो 6 जो है ना -1 पोजीशन पे है, 8 जो है ना वो -2 पोजीशन पे है, 3 -3 पोजीशन पे है और 4 जो है ना -4 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी फेस वैल्यू आ रही है 4, 2, 1.6834। तो यहाँ पे इस 4 की वेट जो बन जाएगा 10 की पावर -4, 3 का बन जाएगा 10 की पावर -3, इस 8 का बन जाएगा 10 की पावर -2 और इस 6 का बन जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। इस तरह इशारिया के या पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे 1 है उसकी बन जाएगी 10 की पावर 0, इस 2 की बन जाएगी 10 की पावर 1 और इस 4 की बन जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इनको व्यूअर्स लिख सकते हैं, इनकी फेस वैल्यू या वेट बना सकते हैं। तो ये वेट वैल्यू जो है ना, ये हमें जब इनके कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल करेंगे, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अब अगर बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, तो बाइनरी नंबर्स आर मेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स, जिनको हम बिट्स भी कहते हैं। 2 यूनिक नंबर 0 एंड 1 होते हैं, जिनकी बेस 2 है। ए बाइनरी डिजिट इज़ ए बिट, एक हमारा बाइनरी डिजिट जो है ना वो बिट होता है, या 0 या 1 जिसे कहते हैं उसको हम बिट कह देंगे। और
कम्बिनेशन ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट लार्ज वैल्यू, जैसे हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास नंबर आ रहा है 101 base 2, इसको 100 and 01 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 101 पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास नंबर है 10001 base 2, इसी तरह हमारे पास ये नंबर है 1010.011 और base 2। तो ये तमाम हमारे पास क्या हैं जी, ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स हैं। और अगर इनके हम वेट एंड पोजीशन की बात करते हैं बाइनरी डिजिट की, जैसे हमारे पास ये नंबर है 11101 और base 2, तो इसका अगर टेबल देखते हैं वेट टेबल, तो ये देखें यहाँ पे इस जो पहला वन है इसकी 2 की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि इसकी बेस 2 है। पीछे हमने देखा है डेसिमल में हम 10 की पावर लिखते थे, तो यहाँ पे हम 2 की पावर लिख रहे हैं। क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं इनकी बेस जो है ना वो 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद 1 के बाद 0 है तो इसकी आ जाएगी 2 की पावर 1 है, उसके बाद 1 है तो इसकी आ जाएगी 2 की पावर 2 है, और उसके बाद 1 है इसकी पावर 2 की पावर 3 आ जाएगी, और ये 1 की 2 की पावर 4 आ जाएगी। ये टोटल हमारे पास व्यूवर्स 1 2 3 4 5 नंबर है, तो आखिरी वाला जो नंबर है इसकी पावर जो है ना वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर इनकी पोजीशन में बात की जाए तो ये वाला नंबर 0 पोजीशन पे है, ये वाला 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे वेरी कर रहा है। और इसी तरह अगर हम डेसिमल वाले नंबर की बात करते हैं तो 110.11 base 2, तो इनके अगर बात करते हैं तो ये देखें ये वाला 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, और ये 2 पोजीशन पे है। और पॉइंट के अगर राइट साइड की बात करते हैं तो ये वाला -2 1 पोजीशन पे आ जाएगा, और ये वाला -2 पोजीशन पे वेरी कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 and 2 की पावर 2, तो ये वाला आ जाएगा 2 की पावर -1 2 की पावर -2 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिवर्स ऑक्टल नंबर्स। तो ऑक्टल नंबर्स की अगर बात की जाए तो 8 यूनिक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 and 7, और उसकी बेस 8 होती है। कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 7 base 8, 4 5 3 2 base 8, 7 6.35 base, इसकी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। और इसके अंदर अगर आउटर नंबर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर व्यूअर्स 8 और 9 नंबर जो है ना वो यूज़ नहीं करते। तो ये हमारे पास व्यूअर्स हमारे पास ऑक्टल नंबर्स आ रहे हैं। द वेट एंड पोजिशन ऑफ ईच बाइन सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बाइनरी नहीं बल्कि यहाँ पे आ जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल डिजिट्स आर यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 3 7। इसी तरह हमारा इसका टेबल बन जाएगा, 7 की आ जाएगी 8 की पावर 0, 3 का आ जाएगा 8 की पावर 1, 6 का आ जाएगा 8 की पावर 2, और 5 का आ जाएगा 8 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे व्यूअर्स बाइनरी नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ऑक्टल आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्टल लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 3 7.45 की बेस 8 आ रहा है। तो अगर इसके बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की 8 की पावर 0, ये 3 वाला 8 की पावर 1, ये 6 8 की पावर 2, ये 5 8 की पावर 3 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद इस 4 की आ जाएगी 8 की पावर -1, और इसकी आ जाएगी -2 आ जाएगी 8 की पावर। अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं व्यूअर्स, 16 यूनिक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 and 15 तक ये नंबर चलते रहेंगे। तो व्यूअर्स 0 से लेके 9 तक तो नंबर हमारे पास वैसे ही शो हो जाएंगे। 10 जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा ए को, 11 करेगा बी को, और 12 करेगा सी को, 13 रिप्रेजेंट करेगा डी को, 14 करेगा ई को, 15 करेगा हमारे पास एफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसकी बेस 16 होती है। कम्बिनेशन ऑफ की बात करते हैं हमारे पास तो ये आ जाएगा 8B, इसकी बेस कितनी आ गई हमारे पास 16 आ जाएगी, 6 7 D, और इसकी बेस कितनी है 16, 3E.4C, और बेस कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नहीं बल्कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5A6C की बेस 16 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सी की, पहले सी जब आएगा तो इसकी 16 पावर 0, 6 का आ जाएगा तो इसकी वेट आ जाएगा 16.1, यहाँ पे ए का आ रहा है तो 16 की पावर 2, और 5 का आ जाएगा 16 की पावर 3 आ जाएगी, उनकी पोजीशन वैल्यू 0 1 2 एंड 3 आ जाएगी।
और इसी तरह अगर हम यहाँ पे 5a6c करते हैं तो यहाँ पे बाइनरी बल्कि यहाँ पे ऑक्टल लिख देंगे। ये बार बार स्लाइड जो है ना कॉपी की थी, तो इसलिए वजह से ये गलती हो गई। तो ये हमारे पास नंबर है 5a6c.e8 और बेस इसकी कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो यहाँ पे देखें सी की 16 की पावर 0 6 आ जाएगा तो 60 पावर 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा तो 60 पावर 2 आ जाएगा, और 5 है तो 16 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी पॉइंट, और ई की पावर आ जाएगी 16 पावर -1, 8 की आ जाएगी 16 पावर -2 आ जाएगा। उसके बाद केवमैन, तो ये हमारे पास कुछ समझे सिंबल्स होते हैं, जैसे सिग्मा है, ये हमारे पास डेल्टा है, इसके बाद ग्रेटर देन, ये टिल्डा एंड ये एरो साइन आ रहा है, और इसकी बेस 5 होती है। कम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ये कुछ कम्बिनेशन जो है ना मुख्तलफ सिंबल को मिला के ये कुछ कम्बिनेशन शो हो रहे हैं। तो अगर व्यूअर्स हम ये कम्बिनेशन इनका बात करते हैं तो ये देखें 0 जो है ना रिप्रेजेंट करता है सिग्मा को, ये 1 जो है ना ये बेस करता है इसको टिल्डा को, और ये वाला जो साइन 2 है जो इस साइन को शो करेगा, 3 जो है ना इस साइन को शो करेगा, और 4 जो है ना इस एरो को शो करेगा। अगर हमने 5 करना है तो ये हमारे पास 1 और ये वाला 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अगर हमारे पास हमने 6 करना है तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 7 को करना है तो ये आ जाएगा, और इसके बाद 8, 9, 10 और ये इसके सिंबल जो है ना वो केव नंबर के शो हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।